पीपल लेट्स कुक समर स्पेशल रोज़ रबड़ी कुल्फी। जितनी दिखने में सुंदर है मम्मी दिख रही है ना, उतनी खाने में भी बनी थी। वो जो हम स्ट्रीट्स पे खाते हैं ना कुल्फी वाले भैया की मावा कुल्फी या फिर रबड़ी कुल्फी, एग्जैक्टली वही टेस्ट बैठा था। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। सो यू नीड टू ट्राई दिस वंस। और गर्मियों में कुल्फी और आइसक्रीम खाने के तो अलग ही मज़े हैं। सिकम ऑन, उसके लिए आधा लीटर दूध ले लीजिए, प्रेफरेबली फुल फैट मिल्क लीजिएगा, उससे आइसक्रीम्स एंड कुल्फीज क्रीमियर बनती है। और इसको बॉयल होने के लिए रख दीजिए ऑन लो फ्लेम, जब तक वो थिक नहीं हो जाता और रिड्यूस नहीं हो जाता, फॉर अराउंड 7 to 8 minutes। उसको बीच बीच में कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिएगा ताकि नीचे से दूध लग ना जाए। और फिर उसमें डाल दीजिए 150 ग्राम मिल्क पाउडर एंड उसको जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वो बिल्कुल भी लम्प फ्री होना चाहिए। और उसको और बॉईल होने के लिए रख दीजिए फॉर अराउंड 2 to 4 minutes ऑन लो फ्लेम। आपको पूरा लो फ्लेम पे ही बनाना है। और 2 से 4 मिनट बाद ना आप देखोगे वो एकदम रबड़ी जैसा थिक फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए एकदम परफेक्टली ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आप डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे मलाई पेड़े यूज़ किए हैं, आप चाहे तो आप मावा या खोया भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 से 5 मलाई पेड़े हाथों से क्रश करके डाल दिए, इससे टेस्ट बेहतर आएगा। सो मैंने वो डाल दिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और बस फिर इसमें डाल दीजिए रोज़ सिरप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, आप चाहें तो आप रोज़ पेटल्स का भी यूज़ कर सकते हो। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एंड योर मिक्सचर इज़ रेडी। ये जितना कूल डाउन होता जाएगा ना उतना ही थिक होता जाएगा, तो इसको ज़्यादा कुक करने की नीड नहीं है। उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए और मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने यहाँ पर कोई भी एडिशनल स्वीटनर शुगर कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है, बिकॉज पेड़ा एंड रोज़ सिरप सब कुछ स्वीट था तो मेरा सब कुछ बैलेंस हो गया है। अगर आप मावा या खोया यूज़ कर रहे हो तो आप एडिशनल स्वीटनर कंडेंस मिल्क या फिर शुगर इस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और बस इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर फ्रीज होने दीजिए ओवरनाइट या फिर मिनिमम 7 to 8 hours, प्रेफरेबली इनको ओवरनाइट फ्रीज कीजिएगा। एंड इट्स रेडी। जब वो आपको डीमोल्ड करनी है उससे पहले उसको पानी में डिप करके थोड़ा रोल रोल कीजिएगा, स्टिक इंसर्ट कीजिएगा और बस उसको डीमोल्ड कर दीजिए एंड इमिडिएटली सर्व कर दीजिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यम्मी बनी थी। ऊपर से मैंने यहाँ पे क्रश्ड टूटी फ्रूटी और पिस्ता डाला हुआ है, इट्स ऑप्शनल, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं या तो यूँ ही भी, ये बड़ी कमाल लगती है। सो Do try this guys and enjoy!